सिर दर्द के 35 नुस्खे। सर में दर्द हो तो माथे पर देसी घी कुछ देर मलने से सर का दर्द रुक जाता है। नाक में गाय का घी और शहद डालने से इससे भी सर का दर्द रुक जाता है। पानी में सौंठ पीसकर माथे पर लगाने से सर्दी से होने वाला सर का दर्द बंद हो जाता है। लौंग को पीसकर पानी में घोलकर माथे पर चंदन की तरह लगाने से सर का दर्द बंद हो जाता है। तुलसी की पत्तियों को पीसकर अदरक के रस में मिलाकर माथे पर चुपड़ें और बीमार को पिलाएं भी, इससे भी सर का दर्द बंद हो जाता है। बड़ी इलायची का छिलका खरल करके गर्म पानी में गाढ़ा गाढ़ा घोलकर माथे पर लगाने से भी सर का दर्द बंद हो जाता है। लौंग पीसकर पानी में घोलकर माथे पर लगाने से भी सर का दर्द गायब हो जाता है। बादाम के तेल में केसर मिलाकर दिन में 3 बार सूंघने से सर का दर्द बंद हो जाता है। नींबू को पानी में निचोड़कर पीने से सर का दर्द बंद हो जाता है। पानी में सौंठ घिसकर माथे पर लगाने से भी सर के दर्द में आराम मिलता है। 3-4 तुलसी की पत्तियां चबाने से सर का दर्द कम हो जाता है। छोटी इलायची के बीजों को पीसकर बार बार सूंघने से सर के दर्द में काफ़ी ज़्यादा आराम मिलता है। धनिया और काली मिर्च पीसकर माथे पर चंदन की तरह लगाने से भी सर के दर्द में राहत मिलती है। रीठे के पानी को नाक में डालने से आधे सर का दर्द जाता रहता है। 2 बूंद से ज़्यादा इस पानी को नाक में नहीं डालना चाहिए। बादाम के तेल की मालिश करने से सिर दर्द में राहत मिलती है। सिरस के बीजों को पीसकर धीरे धीरे सूंघने से सिर दर्द चला जाता है। ताज़ा भुने हुए चने गुड़ के साथ खाने से भी सर के दर्द में राहत मिलती है। पानी में नींबू निचोड़कर हल्का गर्म करें और सहता सहता 3-4 बार लगाएं, इससे भी सर के दर्द में राहत मिलेगी। सफ़ेद चंदन को गुलाब जल में घिसकर माथे पर लेप करें, इससे भी सर के दर्द में राहत मिलेगी। 1 चुटकी नमक या नमक की छोटी डीली जुबान की नोक पर रखकर धीरे धीरे चूसने से सर का दर्द जाता रहेगा। 4 पत्तियां तुलसी की, 4 दाने काली मिर्च और 2 लौंग सबको पीसकर माथे पर लगाएं और चटनी की तरह खाएं भी, इससे भी सर के दर्द में राहत मिलेगी। नारियल की गिरी को पानी में घिसकर माथे पर लगाने से सर का दर्द कम हो जाता है। तंबाकू के पत्तों को पीसकर उसमें थोड़ी सी नौसादर डालें, फिर उसे रुक रुक के सूंघें, इससे भी सर के दर्द में राहत मिलेगी। नाक में कड़वा तेल की 3-4 बूंदें डालने से भी सिर दर्द में काफ़ी ज़्यादा फायदा होता है। अगर गर्मी की वजह से सिर में दर्द हो तो पालक और गाजर का रस पिएं। छोटी इलायची के बीजों को पीसकर उसमें थोड़ा सा कपूर मिला दें, फिर इस रस को थोड़ी थोड़ी देर बाद सूंघने से सिर दर्द जाता रहता है। नींबू की पत्तियों को कुचलकर सूंघने से सिर दर्द चला जाता है। प्याज को पीसकर तलवों पर लगाएं और सूंघ लें, इससे भी सर के दर्द में राहत मिलेगी। नाक के नथनों में लहसुन का रस बूंद बूंद टपकाने से सिर दर्द चला जाता है। हींग को गर्म करके पानी में घोल लें, फिर माथे पर लेप करें, सर दर्द चला जाएगा। पानी में दालचीनी पीसकर सिर पर लेप करने से सिर दर्द में काफ़ी आराम मिलता है। पानी में काली मिर्च और सौंठ पीसकर माथे पर लेप करें, सर दर्द गायब होगा। पीपल के पत्तों को पानी में चटनी की तरह पीसकर माथे पर लेप करें, सर दर्द गायब हो जाएगा। बकरी के दूध में जायफल घिसकर माथे पर लगाएं, सिर दर्द में काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। पुदीने की चाय बनाकर पीने से सर के दर्द में आराम मिलेगा इंशाल्लाह। सिर दर्द में क्या खाएं क्या नहीं, सर दर्द में खाने पीने की चीज़ों के लिए कोई ज़्यादा परहेज नहीं है, फिर भी कुछ मामलों में सावधानी बरतनी ज़रूरी है। जैसे अगर गर्मी की वजह से सिर में दर्द हो तो चाय, कॉफ़ी, शराब, सिगरेट, गर्म मसालेदार चीज़ें, चौलाई आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर ठंड की वजह से सिर में दर्द हो तो दही, बर्फ़, आइसक्रीम, ठंडा पानी, छोले, मैदे की चीज़ें, सेब, नाशपाती, अमरूद, केला आदि का सेवन ना करें। इसकी जगह मेवे और संफल लें। ज़्यादा धूप में काम ना करें। जाड़े के मौसम में सर पर टोपी लगाएं। ज़्यादा शारीरिक और मानसिक परिश्रम ना करें। घी, दूध, हल्का खाना, मौसमी फल और सब्जियों का प्रयोग करें। पेट में कब्ज़ ना बनने दें। रात को हाथ पैरों में,
सरसों का तेल लगाकर सो जाएं। सिर दर्द के कारण तरह तरह के सर्दी, गर्मी के बुखार, ठंड लगने, गर्मी में घूमने, जुखाम हो जाने, ये नज़ला रुक जाने, गैस की दिक्कत, शरीर में खून की कमी, दिमाग में तनाव, आँखों का कोई रोग या कम दिखाई देना, उल्टी होना, पेट में गैस बनने, दस्त साफ ना होने आदि के कारण सिर दर्द होने लगता है। जिन लोगों को अचानक चोट लग जाती है, रक्तचाप का रोग हो जाता है, मधुमेह और जाड़ा लगकर बुखार आता है, उनके सिर में भी दर्द होने लगती है। शराब, सिगरेट, भांग, अफीम आदि का सेवन करने वाले आदमियों को अगर समय पर ये चीज़ें ना मिलें तो उनके सिर में दर्द होने लगता है। सिर दर्द की पहचान, सर दर्द में ऐसा मालूम पड़ता है जैसे कोई हथौड़े से चोट कर रहा हो। अगर लगातार तेज दर्द होता है तो आंखें बंद हो जाती हैं, कई बार उल्टी भी हो जाती है। आधे सिर में दर्द रूखा भोजन करने या पेट की गैस सर तक पहुंचने के कारण होता है। ये दर्द गर्दन, कनपट्टी, कान और आँख आदि को जकड़ डालता है। बीमार बस यही सोचता है कि हर हालत में उसके सर का दर्द रुकना चाहिए। सर का दर्द पूरे जिस्म को अपनी लपेट में ले लेता है और काम धाम में उसका मन बिल्कुल नहीं लगता है।